Good morning, friends. Today we are going to start with the new concept, delegation of authority. Delegation means to transfer. So delegation of authority means to transfer authority from a superior to a subordinate. जब कोई भी लेवल का मैनेजर, चाहे टॉप लेवल मैनेजर हो या मिडल लेवल या लोअर लेवल मैनेजर, अपने रूटीन वर्क से ओवरबर्डन हो जाता है, तो वह अपने कुछ रूटीन वर्क सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करता है ताकि वह अपना इम्पोर्टेंट टाइम किसी अर्जेंट वर्क, न्यू प्रोजेक्ट, बिजनेस एक्सपांशन, ग्रोथ, न्यू डिसीजंस के लिए डिवोट कर सके। यदि मैनेजर्स ऐसा डेलीगेशन नहीं करेंगे तो वे हमेशा रूटीन वर्क ही करते रहेंगे, डिसीजंस लेने में डिले होगा। सो डेलीगेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी बिटवीन अ मैनेजर एंड हिज सबॉर्डिनेट। डेलीगेशन में सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में वर्क शेयर होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड होती है। डेलीगेशन इज डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबॉर्डिनेट। डेलीगेशन यह प्रोसेस डाउनवर्ड फ्लो करती है, इसका मतलब एक सुपीरियर ही केवल अपने सबॉर्डिनेट को वर्क डेलीगेट कर सकता है। यह फ्लो अपवर्ड नहीं हो सकता, इसका मतलब कोई भी सबॉर्डिनेट अपने बॉस को अपना काम ट्रांसफर नहीं कर सकता। डेलीगेटर इज द पर्सन हु डेलीगेट्स द वर्क, मीन्स द सुपीरियर इज डेलीगेटर। डेलीगेटी इज द सबॉर्डिनेट हु गेट्स द वर्क। डेलीगेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। डेलीगेशन या प्रोसेस प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क के ऊपर बेस्ड है। मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वन मैन शो है, यानी एक ओनर है जो सारे काम खुद ही देखता है। इस केस में डेलीगेशन ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब यह सिंगल ओनर अपने लिए कुछ एम्प्लॉय हायर करता है, तब वह कुछ वर्क यानी कुछ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करता है। तो यहाँ पर डेलीगेशन स्टार्ट होता है। जैसे जैसे वह एम्प्लॉयज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज करता है, वैसे वैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी इंक्रीज होती है। डेलीगेशन डज नॉट एब्डिकेट मैनेजर ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्डिकेशन मीन्स गिव अप और रिनाउंस हाई ऑफिस और डिग्निटी। इसका मतलब वर्क डेलीगेट कर देने से कोई भी मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गिव अप नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। वह स्टिल अकाउंटेबल होता है, आंसरेबल होता है। मैनेजर रिमेन्स अकाउंटेबल इवन आफ्टर डेलीगेशन ऑफ वर्क। मान लीजिए एक सेल्स मैनेजर ने सेल्स रिपोर्ट बनाने का वर्क अपने जूनियर को डेलीगेट किया। अब यह सेल्स मैनेजर डेटा एनालाइज करने की, डेटा एक्सेस करने की अथॉरिटी भी अपने जूनियर को डेलीगेट करेगा। लेकिन अभी भी सेल्स मैनेजर की यह ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह यह ध्यान रखे कि जो रिपोर्ट तैयार हो रही है वह प्रॉपर है, उसमें सभी डेटा इंक्लूड हुए हैं, ताकि जो भी कंक्लूजन ड्रॉ होंगे वो करेक्ट होंगे। यदि इस रिपोर्ट में कोई भी मिस्टेक है तो उसके लिए सेल्स मैनेजर ही अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, जिम्मेदार है। टॉप मैनेजमेंट के सामने सेल्स मैनेजर को ही यह रिपोर्ट रखनी है और उसे ही इसमें होने वाली मिस्टेक्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अथॉरिटी ग्रांटेड टू अ सबॉर्डिनेट कैन बी टेकन बैक एंड रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। यानी जो अथॉरिटी आपने अपने जूनियर को डेलीगेट की है वह आप वापस ले सकते हैं और उसे किसी थर्ड पर्सन को रीडेलीगेट भी कर दे सकते हैं। मान लीजिए आपका जूनियर प्रॉपरली सेल्स रिपोर्ट नहीं बना पा रहा है, तो सेल्स मैनेजर यह काम किसी दूसरे पर्सन को रीडेलीगेट कर सकता है। नाउ वी सी एलिमेंट्स और प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, दैट इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नाउ वी सी कंपेरिजन ऑफ दिस एलिमेंट्स। द फर्स्ट इज अथॉरिटी। Authority is the right of an individual to command his subordinate and to take action within the scope of his position. Authority किसी भी person का अधिकार है कि वह अपने subordinate को orders और instructions दे सके और कोई भी काम करवा सके। Job position के हिसाब से ही किसी person को authority मिलती है। जैसे मान लीजिए क्लास को हमेशा कंट्रोल में रखने की, डिसिप्लिन में रखने की अथॉरिटी क्लास टीचर की है,
जब क्लास टीचर क्लास में ना हो या कोई भी सब्जेक्ट टीचर क्लास में ना हो तो उसके लिए क्लास मॉनिटर अपॉइंट होता है। इसका मतलब क्लास टीचर ने अपनी अथॉरिटी क्लास मॉनिटर को डेलीगेट कर दी। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म असाइंड वर्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सबॉर्डिनेट की ऑब्लिगेशन ड्यूटी है कि वह जो भी काम उसे दिया जाए उसे पूरा करे। अकाउंटेबिलिटी इज द आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम। वर्क डेलीगेट कर देने के बाद भी डेलीगेटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आंसरेबल होता है, अकाउंटेबल होता है। सो इट इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज डेलीगेशन। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। जैसे हमारे एग्जाम्पल में क्लास टीचर ने अपनी अथॉरिटी क्लास मॉनिटर को डेलीगेट कर दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कांट बी एंटायरली डेलीगेटेड। मान लीजिए किसी ऑफ पीरियड में क्लास मॉनिटर को भी क्लास से बाहर जाना है तो वह कुछ समय के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी अपने फ्रेंड को डेलीगेट कर सकता है, लेकिन वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा के लिए या पूरी तरह से अपने फ्रेंड को डेलीगेट नहीं कर सकता। द थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी, इट कैन नेवर बी डेलीगेटेड। कोई भी पर्सन अपनी अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकता। इसका मतलब यदि क्लास डिसिप्लिन में नहीं है तो क्लास मॉनिटर इज आंसरेबल टू द क्लास टीचर एंड क्लास टीचर इज आंसरेबल टू द प्रिंसिपल। द थर्ड इज कोरिजिंग। अथॉरिटी अराइजेज ड्यू टू फॉर्मल पोजिशन इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी पर्सन को अथॉरिटी उसकी फॉर्मल पोजीशन, जॉब पोजीशन, डेजिग्नेशन के हिसाब से मिलती है। जिसकी पोस्ट जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, हाईएस्ट होगी, उसके पास उतनी ही ज़्यादा अथॉरिटी भी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेज और इट डिराइव्स फ्रॉम द डेलीगेटेड अथॉरिटी। अथॉरिटी मिलने से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अराइज होती है। अकाउंटेबिलिटी अराइजेज और डिराइव्स फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। Now the next is flow. Authority flows from top to bottom. So it has a downward flow. Top position के पास सबसे ज़्यादा authority होती है, उससे कम middle level और उससे कम lower level के पास। Organizational hierarchy में जैसे जैसे आप नीचे आते हैं वैसे वैसे authority कम होते जाती है। इसका मतलब authority flows downward. Responsibility flows upward. It means every subordinate is responsible to his superior. Accountability also flows upward. So accountability, the person is accountable to his boss always. Subordinate is always accountable to his superior. So it flows upward. Now we see authority granted must be equal to responsibility assigned. For effective delegation, authority should be equal to responsibility. हर केस में authority और responsibility में balance होना चाहिए, दोनों equal होना चाहिए। मान लीजिए as a general manager मुझे कोई routine organizational report board of directors के सामने present करनी है, या work मैंने अपने junior को delegate कर दिया ताकि मैं new project पर work कर सकूँ। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मुझे अपने जूनियर को रिक्वायर्ड डेटा एक्सेस करने की अथॉरिटी भी देनी चाहिए। इन केस आई हैव डेलीगेटेड द वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन द अथॉरिटी। मीन्स मैंने डेटा एक्सेस करने की अथॉरिटी अपने जूनियर को नहीं दी तो वह पर्सन इनइफेक्टिव हो जाएगा, वह रिपोर्ट इनइफेक्टिव हो जाएगी। इसका मतलब जो रिपोर्ट बनेगी वह ट्रूली करेक्ट नहीं होगी। इन केस अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब मैंने जरूरत से ज़्यादा डेटा एक्सेस करने की अथॉरिटी अपने जूनियर को दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंपैरिजन में कम है तो यह जूनियर इस अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकता है, इस डेटा को लीक कर सकता है। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। I hope you have understood the concept of delegation. If you like this video, like, share and subscribe my channel. Thank you.